गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी जीके की थर्ड क्लास लेने जा रहा हूँ। थर्ड और फोर्थ क्लास एक्चुअली आज मैं साथ में लूँगा, ठीक है? तो आज आप थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट दोनों एक साथ पढ़ेंगे। मैं इसकी अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले तीसरा यूनिट, फिर उसके बाद लास्ट फोर्थ यूनिट मैं स्टार्ट करूँगा। अब थर्ड यूनिट का नाम है आपका द डाइनो वर्ल्ड, इट मीन्स डाइनोसोरस वर्ल्ड। हम सब जानते हैं, आज से काफ़ी टाइम पहले, बहुत हज़ार लाख साल पूर्व, यहाँ पे डायनासोर्स भी रहा करते थे, जो कि अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं बहुत टाइम पहले। तो यहाँ पे उनके बारे में पूरी डिटेल में दी हुई है कि कुछ डायनासोर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है? पढ़ते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। डायनासोर्स वर ह्यूज रेप्टाइल दैट हैड लिव्ड ऑन द अर्थ ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक एरा। यहाँ पे क्या गया है, डायनासोर्स सबसे बड़े सरीसृप, काफ़ी बड़े सरीसृप, यानी रेप्टाइल मत का हिंदी होता है सरीसृप, जो ज़मीन पर रेंगते हैं या फिर जो रेंगने वाले होते हैं। तो वो पृथ्वी पर काफ़ी हमारे प्रागैतिहासिक काल से बहुत पहले रहते थे डायनासोर्स। दे लिव्ड फॉर अबाउट 150 मिलियन ईयर्स एंड वैनिश्ड फॉर एवर अबाउट 64 मिलियन ईयर्स एगो। वो यहाँ पर 150 मिलियन वर्ष पहले रहा करते थे डायनासोर्स, और 64 मिलियन वर्ष पहले उनकी प्रजाति खत्म हो गई, पूरी तरीके से विलुप्त हो गई। तो चलिए अब उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं हम। यहाँ पे कुछ डायनासोर्स के बारे में दिया गया है। फर्स्ट है आपका, दिस डायनासोर वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डायनासोर एंड इट्स नेम मीन्स डबल बीम। इट मीन्स ये डायनासोर सबसे लंबे डायनासोर्स में से एक था, और इसके नाम का अर्थ था डबल बीम। इट मीन्स डबल बीम का मतलब, बीम मीन्स एक लंबी सी चमकती हुई आकृति होती है, जिसे हम बीम कहते हैं अक्सर, ठीक है? इट वॉज अबाउट 27 मीटर लॉन्ग, जो ये 27 मीटर लंबा हुआ करता था, लगभग 27 मीटर इसकी लंबाई होती थी। इट लिव्ड ड्यूरिंग द लेट जुरासिक पीरियड, ये हमारे काफ़ी बाद के लेट जुरासिक पीरियड में के दौरान रहा करता था, ठीक है? इसका नाम क्या है, अब डिप्लोडोकस, ठीक है? यहाँ देखिए, आप अगर आपको समझने में या फिल करने में कोई परेशानी हो तो यहाँ पे आपके हेल्प सेल में दिया हुआ है, ठीक है, डिप्लोडोकस। तो यहाँ पे आप यहाँ के थ्रू भी अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, डिप्लोडोकस, ठीक है, इसका आंसर हो गया। सेकेंड हमारा, दिस वॉज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल फ्लैश ईटिंग डायनासोर्स, यानी यह सबसे बड़ा तथा सबसे शक्तिशाली, अब फ्लैश ईटिंग का मतलब होता है कि मांस खाने वाला, तो यह सबसे बड़ा तथा सबसे शक्तिशाली मांस खाने वाला एक डायनासोर था। इट्स नेम मेंट टायरेंट रेप्टाइल, इसके नाम का मतलब था एक अक्रूर सरीसृप, अक्रूर रेप्टाइल, यानी टायरेंट मतलब होता है बहुत ही आक्रामक, जो बहुत ही जल्दी किसी चीज़ पर क्रोधित हो जाता है, या आक्रामक, ठीक है, या अक्रूर, बहुत ही निर्दयी तरह का। तो टायरेंट रेप्टाइल, इसके नाम का मतलब था कि अक्रूर सरीसृप। इट लिव्ड ड्यूरिंग द लेट क्रिटेशियस पीरियड, या लेट क्रिटेशियस पीरियड के दौरान हमारे पृथ्वी पर रहा करता था। तो इसका नाम क्या है, यहाँ पे टायरेनासोरस रेक्स, ठीक है? तो अब आप प्रोनंसिएशन में इस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और मैंने आप इसलिए पहले से फिल कर दिया है ताकि आपको फिल करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है? तो इसका नाम क्या था, टायरेनासोरस रेक्स, इस डायनासोर का नाम था। थर्ड है आपका, दिस डायनासोर हैड अ बोनी फ्रिल टू प्रोटेक्ट इट्स हेड, नेक एंड शोल्डर्स। इट मीन्स इस डायनासोर के सिर, गर्दन और कंधों की सुरक्षा के लिए एक बोनी फ्रिल होता था, मीन्स एक सींग जैसी आकृति बनी होती थी, जिसके द्वारा इसके गर्दन, कंधे और सिर की रक्षा होती थी। इट्स नेम मेंट थ्री हॉर्न फेस, इसके नाम का मतलब होता था कि तीन सींग वाला चेहरा, ठीक है, थ्री हॉर्न फेस, तीन सींग वाला चेहरा। इट वॉज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग एंड लिव्ड ड्यूरिंग लेट क्रिटेशियस पीरियड, यह लगभग 9 मीटर लंबा होता था और लेट क्रिटेशियस पीरियड के दौरान, अब युग के दौरान रहा करता था। इट वॉज अ वेजिटेरियन,
प्लांट ईटर बट वेरी फियर्स क्रिएचर, ये शाकाहारी होते थे लेकिन बहुत ही खतरनाक होते थे। फियर्स क्रिएचर मीन्स खतरनाक प्रजाति के होते थे। इट इज बेस्ट नोन एज हॉर्न्ड डायनासोर्स, ये सींग वाले डायनासोर्स के रूप में जाने जाते थे अक्सर। अब इसका मतलब क्या है, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइसेराटॉप्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर नीचे भी आपका, आप हेल्थ सेल में जाओगे तो आपका आंसर वहां मिल जाएगा, ट्राइसेराटॉप्स नाम के डायनासोर्स, इस प्रजाति के डायनासोर्स होते थे। ठीक है, फोर्थ है हो गया आपका, दिस डायनासोर वॉज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द डायनासोर्स, यानी ये डायनासोर्स सभी डायनासोर्स में सबसे चालाक होते थे। इट्स साइज वॉज जस्ट अबाउट द मॉडर्न डे डॉग, इसके शरीर का जो आकार होता था वो आजकल के जो डॉग्स होते हैं सिर्फ वो लगभग उन्हीं के जैसा ही होता था, उन्हीं के इतना लंबा होता था। इट्स ब्रेन वॉज वेरी लार्ज इन प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज, उनकी बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग उनका ब्रेन काफी बड़ा होता था। इट कुड रन वेरी फास्ट, ये बहुत ही तेजी से दौड़ सकते थे। तो इन डायनासोर्स, ये किस डायनासोर्स के फीचर्स यहाँ दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रोडॉन्स या ट्रूडॉन। ठीक है, ये ट्रूडॉन प्रजाति का एक डायनासोर्स होता था जिसके अंदर ये सारे फीचर्स होते थे। नेक्स्ट आपका है, द डायनासोर हैड अ टॉल सेल ऑन इट्स बैक, यानी इस डायनासोर की पीठ पर एक लंबा सा सेल, आप कह सकते हैं एक लंबा सा लंबी सी आकृति बनी होती थी जिसे अक्सर सेल, इंग्लिश में सेल या हिंदी में उसे पॉल के टाइप में बोलते हैं। ठीक है, वो इसकी पीठ पर हमेशा होते थे। इट्स नेम मीन्स ब्रेव रेप्टाइल, इसे हमेशा बहादुर सरीसृप, बहादुर रेप्टाइल के रूप में जाना जाता था। इट लिव्ड ड्यूरिंग द अर्ली क्रिटेशियस पीरियड, ये हमारे प्रारंभिक क्रिटेशियस युग के दौरान रहा करते थे। इनका शरीर इट्स बॉडी कुड ग्रो अप टू 7 मीटर इन लेंथ, इनका शरीर 7 मीटर तक बढ़ सकता था, 7 मीटर तक लंबा हो सकता था। ठीक है, अब ये किस किस डायनासोर की, किस प्रजाति के डायनासोर के फीचर्स है ये, तो इसका इसका आंसर हो गया यूरेनोसोरस। ठीक है, यानी ये एक यूरेनोसोरस प्रजाति का डायनासोर था। लास्ट है आपका, दिस डायनासोर हैड अ लॉन्ग डक बिल शेप्ड स्कल, यानी इस डायनासोर के पास लंबे बत्तख के आकार के जैसी खोपड़ी होती थी, स्कल मतलब होता है खोपड़ी, इसके इसके पास बत्तख के आकार के जैसी खोपड़ी होती थी। इट्स नेम मीन्स बल्की रेप्टाइल, इसके नाम का मतलब होता था कि भारी रेप्टाइल, क्योंकि ये वजन में काफी भारी भी होते थे। इट लिव्ड ड्यूरिंग द लेट क्रिटेशियस पीरियड, ये लेट क्रिटेशियस पीरियड के दौरान उस युग में रहा करते थे। इट कुड ग्रो अप टू लेंथ ऑफ 10 मीटर्स, ये 10 मीटर तक लंबे हो सकते थे, 10 मीटर तक इनकी लंबाई हो सकती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हेड्रासोरस। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका लिखा है यहाँ पे, अगर आपको ये जो मैंने फिल किया वो क्लियर ना हो रहा हो तो आप हेल्प सेल से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसका नाम था हेड्रासोरस। ठीक है, तो आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट है, नेक्स्ट यूनिट आपका स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।